तत्व निर्णय सही होता है, फिर आत्मानुभूति का जन्म होता है। ये लाइन लिखो सब लोग, क्या बोला मैंने? आत्मानुभूति से तत्व निर्णय नहीं होता, तत्व निर्णय से आत्मानुभूति होती है। आत्मानुभूति तो फल है। किस बात की निशानी आत्मानुभूति? कि तेरा तत्व निर्णय सच्चा है। अगर अनुभूति नहीं हो रही है तो अनुभूति के पीछे मत पड़ो, निर्णय देखोगे कहीं निर्णय में गलती चल रही है। अरे समझ में? जैसे ये लाइट है और ये लाइट बंद हो गई, तो इस लाइट में कुछ मत देखो, ये देखो कि वायरिंग में कहीं मिस्टेक हुई है, पीछे से कहीं लाइट आने में गड़बड़ है। आया समझ में? ऐसे ही हमें अगर इतना स्वाध्याय करने के बाद, इतना तत्व समझने के बाद अगर हमारी परिणति में आनंद नहीं आ रहा है, हमारी परिणति में निर्भरता नहीं आ रही है, हमारी परिणति में निराकुलता का वेदन नहीं है, आकुल, तो विचार करो कि अभी कहीं ना कहीं हमारे तत्व निर्णय में कोई चूक है, सहजता नहीं आ रही है। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपने को केवल और केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय में अपना उपयोग लगाना चाहिए, ये ही सम्यक पुरुषार्थ है। समझो, और अपने को परिपूर्ण ज्ञायक, दृढ़ दृष्टि से, स्वभाव से परिपूर्ण ज्ञायक, भगवान आत्मा मानकर ही तत्व विचार करना है। पहले तो स्थापना करनी है कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूं, ये बिल्कुल अंदर में स्थापना चाहिए, जानने देखने के स्वभाव वाला हूं। आया समझ में? तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि चेतन स्वभावी होने से वह भगवान आत्मा नित्य उद्योत रूप है, बिल्कुल निरंतर अपने अनुभव में आ रहा है। बस शांत होकर सच्चा तत्व निर्णय करते हुए, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को छोड़ते हुए, रागादि से भेद ज्ञान करते हुए, पूरे होश पूर्वक, जागृति पूर्वक, केवल आत्म चिंतन में मग्न होते हुए, शांत होते 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 प्रायोगिक लब्धि से कब करण लब्धि में चले जाते हैं और कब आत्मानुभूति होती है, ये बिल्कुल एक क्रम में हो जाती है, बिल्कुल कोई इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये करना है अपने को, और बिल्कुल शंका मत करो, संदेह मत करो, परेशान मत हो। जो नए जीव हो वे स्वाध्याय करो, किसी के पीछे दौड़ो मत, शांति से बैठ के पढ़ो, समझो वस्तु का स्वरूप, क्रम से स्वाध्याय करो। कहीं पर भी कोई हमें धर्म नहीं दे सकता, किसी के आशीर्वाद से हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, किसी के पैर में पकड़ के सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समझ में आया? यहाँ पर सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति प्रत्येक जीव स्वयं के पुरुषार्थ से जब चाहे तब कर सकता है। समझ में आया? कोई बंधन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बाधा नहीं है। सम्यक दर्शन चाहिए? बोलो ठीक। देखो अभी देखो, एक प्रश्न तो सम्यक दर्शन किस किस को चाहिए, हाथ उठाओ। पहली बात तो इतना खतरनाक प्रवचन है, समझ में आया? अरे मैं रियल में पूछ रहा हूं, किस किस को आत्मानुभव करना है, किसको जरूरत लगती है धर्म की, हाथ उठाओ। सबकी नहीं, अपनी बताओ, अपनी बताओ, बताओ। अंदर से देखोगे तो अभी गहरी अंदर में ऐसी भी रुचि नहीं बनी कि मुझे आत्मानुभूति के अलावा अब कुछ नहीं चाहिए। अब जब तक ऐसी परिणति का जन्म नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन कहां जन्मेगा, बताओ? बोलो। और अपन यहां ध्यान देते नहीं और जो इंद्रियों के दमन में लग जाते हैं। नहीं समझ में? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें शुद्ध सात्विक जीवन नहीं जीना चाहिए, लेकिन शुद्ध सात्विकता के नाम पर दिन रात उसी में लगे रहना,
आप सुबह से शाम तक पानी छानते फिर रहे हो तो तत्व विचार कब करोगे? कई लोग कह रहे थे पानी छानने में तत्व विचार है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे पढ़ाई होती ना, मैं कहता हूं सही बात बताओ, ऐसा ही है क्या? छानने वालों को लेके तो आओ मेरे पास, क्या स्थिति है भाई साहब? बिना भूमिका के ज्यादा क्रिया पालना टोडरमल जी साहब ने तीव्र कसाय का लक्षण कहा है। बोलो भैया, खतरनाक है, मंद कसाय का नहीं कहा, उनने कहा तीव्र कसाय। बोले साहब क्यों तीव्र कसाय क्यों है, गलत बात है? अरे जितना पल जाए उतना अच्छा, ये बनियों को इससे ज्यादा तो कुछ आता नहीं, जितना कमा ले उतना अच्छा, जैसे जितने व्रत नियम पल जाए उतना ही अच्छा। ये हमारे आचार्य भगवंतों को पता नहीं था, नहीं तुम्हें ज्यादा पता है, वे लिख जाते शास्त्रों में कि बेटा जितना पल जाए उतना पाल लेना, तुम तो बहुत बढ़िया चीज है, सब में दर्शन हो चाहे नहीं हो तुम तो पालना, कहीं लिखा उनने ये बात? तो फिर और तुम जो पालते हो तुम्हें पता भी कौन सी भूमिका में क्या पालते हो? एक आसन है, क्या होता है एक आसन? पता है एक आसन किसे कहते हैं? पता है एक आसन है? नाम दे देते हो एक आसन है, एक आसन पता भी क्या होता है? बोलो गाड़ेकर जी बता, एक आसन क्या होता है बता? असली एक आसन जो होना चाहिए जिस भूमिका में, वो भूमिका है और वो एक आसन अपन कर सकते हैं अभी और या कर पा रहे हैं, लेकिन अपन ने गलती क्या करी? नाम को पूरा धर लिया एक आसन, और एक आसन है ही नहीं वैसा जैसा होना चाहिए। तब इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? अब पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? आप तो क्या सोचते हो हमने राग घटाया? राग कहाँ घटाया भाई साहब, क्योंकि दिन भर राग की तो होश ही नहीं पड़ी, काम इतने थे, और चूंकि वो भूमिका है नहीं तो शाम को नहीं खाना, शाम को नहीं खाना तो उसमें आकुलता सुबह से चलती है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है, नहीं समझ में आए? तो टोडरमल जी साहब जैसे महान विद्वान ये कहते हैं कि भूमिका से ज्यादा नियम तभी पाले जा सकते जब उसकी तीव्र कसाय हो। अब आपको लगे तो बहुत खतरनाक बात है, अरे लेकिन खतरनाक इसलिए है कि भाई तुम्हारी भूमिका नहीं, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? नेचुरल रहो ना, जैसा रहना चाहिए सहज रहो ना भाई। सुबह चार रोटी की जगह दो खाओ और दो बची हुई शाम को खाओ, नहीं समझ में आया? चार एक बार में खा ली है, अब उसको बोलते एक आसन, इसकी जगह दो कर लो ना भाई साहब, दो दो सुबह शाम बांट लो, टेंशन फ्री, रोटी तो नहीं जाएंगी अंदर, और एक ही सब्जी से खा लो, दो से ही मत खा, मैं तो कह रहा हूं उंगली हुई दाल से खा लो, क्या दिक्कत है? लेकिन अपन को कुछ पता नहीं है, अपन केवल एक परंपरा में उसमें लग के करते रहते हैं और उसको बढ़ाते चले जाते हैं, ये जाने बिना कि इसके बढ़ाने का क्या लाभ हो रहा है, और ये भूमिका में बैठता भी है कि नहीं बैठता है। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं और उन बेचारों को ऐसे कामों में लगा देते जो कुछ जानते ही नहीं भी उस क्रिया का मतलब, और अपन क्या सोचते हैं कि संस्कार मिले, काय के संस्कार दे रहे हो? एक आसन करना सिखाना संस्कार है कि वो और ज्यादा क्रियाकांड का अभ्यासी हो जाएगा? अपने को जो बच्चों की जो स्थिति है एक्चुअल उसका ज्ञान होना चाहिए ना कि बेटे भी तुम नहीं कुछ नहीं, तुम ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अपन जो बच्चे हैं वे तो भोले हैं और हम समझदार हैं, तो हम अपनी समझदारी उन पे ज्यादा नहीं थोपे, क्योंकि वे उस लेवल पे नहीं समझते चीजों को, और उनको क्या होता है कि मजा आता है, चार आदमी उनकी तारीफ करते, वाह बेटा तुमने आज ऐसे त्याग किया, बहुत अच्छा, बहुत खुश होता है, जो बहुत अच्छी चीज है। मैं इंदौर में गया तो वहां पर भी बहुत सारे अपने हैं, तो बोले साहब हम लोगों ने बचपन में बहुत उपवास करे,
मैंने कहा क्यों भैया क्यों करे? बोले हम लोगों को ना बग्घी पे घुमाते थे समय बहुत मजा आता था। अब आप ये बताओ, आप इससे ढोंग को बढ़ा रहे हो कि धर्म को बढ़ा रहे हो? आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं? देखो, शुद्ध सात्विक भोजन करना, बाजार का नहीं खाना, घर का बढ़िया भोजन करना अच्छी बात है, करना ही सही है सबको, लेकिन उसका स्वरूप समझना, व्रतशील संयम पालना लेकिन उसका स्वरूप पहले समझना कि जे मेरी भूमिका के योग है कि जे मेरी भूमिका के योग नहीं है। क्योंकि करना तो कुछ भी कर सकते हैं ना अपन, नहीं कर सकते क्या? मैं अगर 8 दिन किसी ब्रह्मचारी जी के साथ रहूं तो 9वें दिन आपको ब्रह्मचारी जैसी क्रियाएं करता मिल जाऊंगा। क्या कठिन है बताओ रोमित जी? किसी की नकल करने में कितना देर लगती है बताओ? हैं? लोग थाली धोके पीते हैं, 2-4 धोके पीने वालों के साथ खाए, अपन भी धोके पीने लगे, कितनी देर लगती है? वही क्रिया की नकल करने में कितनी देर लगती है? बोलो, जल के बाद चंदन चढ़ाना कि अक्षत, बताओ है? बताओ बहन जी, बताओ, जल के बाद चंदन चढ़ाना कि अक्षत? अच्छा, सोचना पड़ रहा है क्या? पढ़ाई थोड़ी कमजोर हुई है। अच्छा, ऐसा है क्या? कोई बात, तुम बताओ जल के बाद क्या चढ़ाना, तुम बताओ पंडित जी। हाँ, जल के बाद क्या चढ़ाना, जल के बाद पूजा में क्या चढ़ाना? कहाँ, कैसे, किसने बताया? हाँ, लिखा है, खत्म बात। आज तक तुमने आर्गुमेंट किया कि भाई जल के बाद चंदन ही क्यों, अक्षय चढ़ा दे, कौन सी आफत आ जाएगी? नथिंग, क्रिया में कोई दिमाग माग नहीं चाहिए, वो तो जो जैसी होती है वैसी कर दे रहो। ठोना लग गया तो ठोना पे स्थापना कर दो, हट गया तो नीचे कर दो, जो जैसा जो चल जाए, परंपरा है तो। मतलब अपन, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन चीजों में अपन को वस्तु स्वरूप समझते हुए बहुत वैज्ञानिक ढंग से रहना चाहिए। आया समझ में? आचरण की भूमिका चारित्र क्रिया का, और अपन कितने ही कहें कि हम इसे कुछ नहीं मानते, लेकिन वो अंदर में उसमें उपादेय बुद्धि आती है, आए बिना रहती नहीं। आया समझ में, पकड़ में? क्यों क्यों आती है? क्योंकि वो अपनी अंदर भूमिका है नहीं, और अपन ने वो क्रिया चालू करी है तो उसमें कर्तृत्व आता है और वो उपादेय बुद्धि बनती है। तो एक तो ये नियम पकड़ समझ लो कि हमारा जीवन बहुत सहज होना चाहिए, खेच वाला नहीं होना चाहिए।